साथी मिलकर शीला दीक्षित जी का स्वागत करेंगे और आप लोग जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट कम आ रही है, जोर से ताली बजाइए। शीला दीक्षित, आप सब सामने बैठे हुए, थोड़ी सी धूप ज्यादा तेज हो गई है और गर्मी लग रही है सबको, तो मैं वो बातें नहीं कहूंगी जो आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन के आने वाले महीने, दो महीने, सभा महीने में चुनाव होने वाला है दिल्ली में, और वो चुनाव बड़ा अहम चुनाव है। केंद्र की सरकार बनेगी तो इस चुनाव के माध्यम से बनेगी, और हमारा भी एक फैसला है कि अब की बार हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस काम करती है वो कोई और पार्टी नहीं करती है। हम लोग अगर जो काम करते हैं तो पहले आप लोगों का सोचते हैं। अगर जो हम लोग तीन बार दिल्ली में हम लोगों ने सरकार बनाई तो उसका कारण यही था कि दिल्ली के लोग चाहते थे कि हम बनाएं बार बार सरकार और काम करें। अब आप देख रहे हैं कि क्या शक्ल है दिल्ली की, गंदगी बेहद है, पेड़ कोई लगा नहीं रहा है, बातें जरूर की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी कुछ बात कहती और कुछ वायदा करती और पूरा नहीं करती है। आज का वायदा उनका कि मैं इस प्रांत के अंदर अनशन करूंगा और जब तक उसको अनशन को चलाते रहूंगा, जब तक इस प्रांत को फुल स्टेटहुड ना मिला, पूरा स्टेटहुड ना मिले, ये बातें सब कहने की हैं, करने की नहीं है। और आपको मैं अभी से ही वॉर्न कर रही हूँ कि ये बिल्कुल नहीं करेंगे, दो चार दिन शायद अपना अनशन कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अगर जो करना ही था या कहना दिल्ली को ऐसा ही बनाना था तो ये तीन साल पहले शुरू कर देना चाहिए था, अब बहुत लेट हो गया है। बाकी बहुत सारी बातें जो आपने सुनी हैं वो हमारे नेताओं ने आपके सामने रख दी है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज का हिंदुस्तान, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी केरला हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ विकास हुआ है, जितना भी विकास आप देते हैं और हिंदुस्तान में एक ताकत आई है कि वह अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वो ताकत बनाई है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे राजीव गांधी थे, कोई भी थे, तो हम कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस को याद जरूर रखिएगा। आप लोग इतनी देर से बैठे हुए, लेकिन आपसे मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन जरूर करूँगी कि आपको ये जो हिंदुस्तान आज का दिखाई देता है, इसको ज़रूर अपने साथ चर्चा में लाइएगा और प्रचार करिएगा। इसका ये भी सोचिएगा कि कितना हिंदुस्तान को परेशानी हुई है इन दिनों में, जब वो विकास जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया है, हम लोगों को मुश्किल हो रही है कि किस तरह से अपना जीवन काटे। हाँ, थोड़े दिन बाद, दो चार महीने के बाद कुछ लोग छोड़ देते हैं, जिसका फ़ायदा कुछ लोगों को होता है लेकिन आवाम को नहीं होता। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि गरीबी आज भी हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो दो दिन, एक रोज़ का, दो दिन वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। क्या मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? हाँ, तो ये देखिएगा, इस पर बदलाव लाना है। हम कोशिश ये करेंगे कि पुनः आपसे आकर मिले, कांग्रेसमैन सब आपके साथ मिलेंगे, आपको जो प्रश्न या चाहिए उठाना है तो उठाइएगा, हम लोग हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे और लगे रहे हैं और भविष्य में भी लगेंगे कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। जरा तालियां तो बजा दो भैया। थैंक यू वेरी मच।